was ready to surrender my heart to you, only you. These lights all around me keep blinding my eyes from you and the truth. Don't tell me why. I know, no, no, you won't save my life. Save my life. Baby, keep on, you keep on, you're making the way. एज आई ऑलवेज से जो भी चीज़ कर रही होती है उसमें कोई बताती हूँ मैं. 10:30 त्रिशिका सोने लगी है, सोने गई है. एंड मुझको थोड़ा सा काम करना है वाइटी का ही वर्क है. जब पैदा हुई है तब हम क्या करते थे और अब जब उसका एक साल होने वाला है पूरा, 2 महीने बाद शी विल टर्न 1, तो उस बीच में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, कंटिन्यू रह रहा है. जैसे कंटिन्यू का फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले भी हम लोग त्रिशिका का कम से कम 15 मिनट के लिए पानी बॉईल करके फिर हम उसको दूध बनाते थे या जो भी करते थे, अभी भी यही करते हैं. मौसम बहुत सुहाना है आज, इसलिए जो फुल ऑन एनर्जी है ना, बस मौसम की वजह से. जहाँ मौसम ख़राब हुआ वहीं ख़राब मतलब गर्मी, ख़राब से गर्मी. मुझे गर्मियाँ थोड़ी कम पसंद है, मुझे विंटर्स बहुत पसंद है, मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है. मेरा खुद का बोलते थे समर में आता है, दैट इज़ द रीज़न. ये शी इज़ इंजॉइंग. जब से उसे चलना सीखा है ना, शी इज़ लाइक अ फ्री बर्ड. हर जगह घूमना उसको पसंद है. अभी सो के उठी है ये और मैंने कुछ नोट्स बनाए थे बच्चों के, तो मैं नोट्स बना के हटी हूँ. इट्स 1:09 एंड आई हैड लंच. लंच में आई हैड राजमा रोटी के साथ. मेरा मेरे को चावल के साथ खाना पसंद, बट आई एम ऑन डाइट, सो दैट इज़ द रीज़न. राजमा खाया रोटी के साथ एंड रोटी प्लेट इज़ ओवर देयर. अभी हटाया नहीं है. शी इज़ अगेन प्लेइंग विद पॉटी. उसको नहीं पता उसको काम किया, उसको खेलना नहीं होता पॉटी से, उसको पुप करना होता है उसके अंदर, बट शी डोंट नो एंड शी लव दिस एरिया, दिस वाला, दिस साइड. ये जो तार है ना, इस तार को मैं कहीं, ये जो तार है सॉरी, ये जो तार है इसको मैं कहीं कोशिश कर रही हूँ हटाने की, बट वो नहीं हट रही क्योंकि छोटा है और खंबा, खंबे के पास जाते जाते ना ये छोटा होता जा रहा है, तो मैं इसको कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ. अगर मेरे इस वाले एरिया के सामने ये तार आ रही है, प्लीज़ बेयर दिस, ये ऐसी ही रहने वाली है. मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला इसको ट्राई करो कहीं ले जाने का, तो सब सारा सामान नीचे आएगा, देखते रहो आप. और ये जो फ्रॉक है ना, बस छोटी होने वाली है एंड दिस इज़ अ न्यू फ्रॉक, छोटे होने वाली. मुझे लग रहा है एक या दो बार और पहनेगी बस. बलून, इट्स बलून, ये guys, how fast she is running. No, not dustbin. It's bad. ये dustbin को भी attempt करता है, पता नहीं क्या है dustbin के अंदर. Wait guys. मोनी दीदी. शिका को अब सोना है. अब इसको मैं सुला दूँ गाना गा के. गाइस त्रिशिका को सुला दूँ मैं, शी वॉन्ट्स टू स्लीप ना, और वो ऐसी सोती है पैसिफायर लगा के. चेंज गाइस, इट्स 2:30 और बारिश स्टार्ट हो गई है. अच्छा लग रहा है ना, बारिश स्टार्ट हो गई है. पता नहीं आज स्टूडेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, लेट मी शो यू. अब आ जाके आपको जो भी है हाथ भीग गए मेरे, और हम लोगों ने आज कपड़े धुले हैं, मतलब मशीन लगाई थी तो सारे कपड़े अब गीले हो गए. जो भी थोड़ा बहुत सूखा हो नहीं गई है वो बढ़ लेना,
ये दोपहर वाली नींद ले रही है, तब तक मैंने नई पेंट लगा लिया था। और दिस इज़ माई डायरी, इस डायरी में मैं सारे नोट्स बनाती हूँ रिलेटेड टू वाइटी। मेरी त्रिशला ना बहुत ही ज़्यादा यू नो साउंड स्लीपर नहीं है, बहुत जल्दी उठ जाती है, बट वो अभी सिर्फ इसीलिए सो रही थी अभी तक इतनी देर तक क्योंकि मैंने एटमोसफेयर देखो कैसा बना रखा, बिल्कुल काम उठ गई है, देखो काम है, बिल्कुल शांति है, डार्क है, उसकी वजह से त्रिशला इतनी देर तक सोई थी। नाउ शी वोक अप। गुड मॉर्निंग माय मंचकिन, माय लिटिल बीन, कम कम। मोनी दीदी कॉल, मोनी दीदी कॉल, मोनी दीदी मिस मोनी दीदी, त्रिशिका का मामा पांच होने वाले हैं, यस और नो त्रिशिका? So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly. पैरों का निकल गया। तुषिका आपके पैरों का कहाँ है? What is this? तुषिका रेन देख रही है। She loves watching rain. और कोई नहीं आया, आई एम फ्री नाउ। तुषिका हैविंग मिश्री दही, तुषिका मिश्री दही, यू लव मिश्री दही, यू लव मिश्री दही, मिश्री दही इज़ हर फेवरेट। तुषी लुक एट मामा, यू वॉन्ट टू गो आउट, वेट बट फर्स्ट ईट, तुषिका ईट दिस, तो बिना परेशान करे खा लेती है मिश्री दही। और साथ में ये है, ये थोड़े में इसको ये खिलाएंगे, बाजरा है, ये बाजरा के अंदर हमने जागरी मिलाई है, रागी भी है थोड़ी इसमें, और भी सामान है कुछ, ये भी खिलाएंगे इसके बाद हम त्रिशिका को। चपाती भी मिल गई आपको, गंदा नहीं, we are chilling out and we are watching again Mr. and Mrs. Khiladi. इतना ज़्यादा टी वी पर आती है ना, तो और कोई टी वी और कोई मूवी आती नहीं है हिंदी मतलब ऐसे, तो अब हम लोग यही देख रहे हैं, एंटरटेनिंग है, थोड़ी सी कॉमेडी है। त्रिशिका इज एंजॉइंग विद मी, वेट आर वी चिलिंग त्रिशि, गिव फ्रेंकी शी टू मम्मा। टीवी स्टार्ट, टीवी स्टार्ट, मूवी स्टार्ट, मूवी स्टार्ट। गाइस इट्स 5:17, मम्मी आने वाले हैं, मेरे मम्मी पापा आज ही स्टे करेंगे क्योंकि राहुल नहीं है और त्रिशिका के साथ अकेले रहना इट्स टफ। और मैंने साथ में मीनाक्षी को बुलाया सो दैट हम लोग प्लान कर सके अच्छे से पापा के रिटायरमेंट का, तो मीनाक्षी विल ऑल्सो स्टे टूडे यहाँ घर पे। उसके बाद गाइस मैंने भी त्रिशिका को भेजा है मोनी के साथ, मोनी गई है हमारे जितने भी आस पड़ोस में रिलेटिव रहते हैं उनके पूड़े देने। पूड़े एक्चुअली मीठा, एक तरह से मिठाई होती है, घर में बनती है, ये आटे के होता है, चीनी वगैरह घोल के इसको हम लोग तल के बनाते हैं, तो पूड़े बनते हैं। पूड़े हमारे यहाँ जैसे कोई बच्चा चलने लग जाता है ना तो पूड़े बटते हैं, और मेरे ससुराल में बटती हैं मिठाइयाँ, तो मम्मी ने मिठाइयाँ बाँट दी हैं सब जगह पर, जितने भी मम्मी के रिलेटिव हैं आसपास रहते हैं, पड़ोसी हैं, उन सबको मिठाइयाँ बाँट दी है। और अब मेरा यहाँ का नंबर था पूड़े देने का सबके घर में, तो
शुभ मानते हैं, पूरों को भगवान को निकाल दिया सबसे पहला, और त्रिशिका के चलने की खुशी में अब मुनि और त्रिशिका दोनों गए हैं वो पूरे डिस्ट्रीब्यूट करने, मैं यहाँ पे हूँ। तो आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको पूरा दिन बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं त्रिशिका जब पैदा हुई थी तब से लेके अब तक। जो चीज़ चेंज हुई है वो ये है कि उसका स्लीपिंग पैटर्न, त्रिशिका रात को पहले बिल्कुल नहीं सोती थी, 2 महीने उसने बहुत परेशान किया है। इतना ज़्यादा कॉलिक होता था त्रिशिका के पेट में कि बहुत दिक्कत होती है, और एक ही रामबाण इलाज है कॉलिक का, मैं आपको सबको बताती हूँ, हींग, या तो हींग या फिर जो ममा अर्थ का रोल ऑन आता है ना इससे भी, पर मुझे ना पता नहीं क्यों जब तक मैं हींग ना लगा दूँ ना त्रिशिका के जब गैस बनती है तब तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड, इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू कैरी, ये ममा अर्थ का टमी रोल ऑन है तो दिस इज़ ऑल्सो गुड, आप ये भी लगा सकते हो, बट हींग तो घर में मिलता ही, अवेलेबल है ही, इट इज़ ऑल्सो गुड। तो हींग जब तक नहीं लगा तब तक त्रिशिका बहुत रोती थी रात को, उठ उठ के, वो सोती ही नहीं थी एक्चुअली रात को, मेरे हाथ दर्द जाते पकड़े पकड़े, बहुत दिक्कत होती थी त्रिशिका को सुलाना, या तो गोद में सोती थी, मुझे आज भी याद है, मतलब इट्स सॉर्ट ऑफ मेमोरी मैं रिकॉल कर रही हूँ सारी, गोद में लेके हम लोग उसको चक्कर काटते थे, फिर थोड़ी देर बैठ के धीरे से बैठते थे हम लोग उसको गोद में लेटाते थे, और मैं तो कभी कभी मतलब ऐसा होता था पूरी रातें मेरी बैठ के गुजरी है। 1 महीना स्टार्टिंग के 1 महीना शिखा मेरे पास थी, पर उसके बाद राहुल और मैंने संभाला, एंड इट वाज द टफेस्ट टाइम रात को जब त्रिशिका उठती थी और जगती थी और हम भी जगते थे, फिर दिन में भी उसके साथ जगते थे क्योंकि ऑब्वियसली उठेगा तो सोएगा तो है ही बच्चा रात को, पर उठेगा भी तो दिन में, सॉरी। तो ये चीज़ चेंज हुई है, अभी भी सोती है अच्छे से पर बीच बीच में उठ के बैठ के रोती है, फिर दूध पी के फिर सो जाती है, तो वी नीड टू काम हर डाउन एवरी टाइम शी वेक्स अप इन द नाइट, चाहे वो 2 घंटे के अंदर हो चाहे वो 1 घंटे के अंदर हो, अभी भी हमारी पूरी ढंग से नींद नहीं हो रही है, बट पहले से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है। गाइज बहुत जल्दी मैंने आप लोगों के लिए गिव अवे आ रहा है, 1 से 2 दिन के अंदर गिव अवे कॉन्टेस्ट के सारे रूल्स आपको मैं डिलीवर कर दूँगी, बट आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, आप सारे व्लॉग्स बहुत ध्यान से देखते रहिए, बहुत आसान क्वेश्चंस है बट वो सिर्फ व्लॉग्स में आप लोगों को मिलेंगे, तो आप प्लीज़ व्लॉग देखिए इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट एंड विन द गिव अवे, और शो यू द गिव अवे जिस दिन मैं आपको रूल्स बताऊंगी, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैम, तभी आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने में। एक तो इस वजह से मेरा गिव अवे डिले हो रहा है, और दूसरा मेरा वेबसाइट बना रहा है फॉर द गिव अवे, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक ये वेबसाइट के थ्रू गिव अवे हो, आपको ईजी हो जाए और जेन्यून हमारे पास रिजल्ट आए, दैट इज़ अ रीज़न मैं DM वगैरह कराने के बजाय मैं प्रेफर कर रही हूँ वेबसाइट, तो मैंने वेबसाइट बनने दी है, तो जैसी वेबसाइट बन के आ जाएगी हम लोग अपना स्टार्ट कर देंगे।